हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। आरआरबी के साइको की सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगर डिजिट टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेमोरी टेस्ट में। क्यों? क्योंकि मेमोरी टेस्ट के जो फिगर्स हैं वो याद नहीं होते हैं और वो जो है कि हर 2 मिनट बाद या फिर 3 मिनट बाद जो है वो गायब होने के बाद जो है नेक्स्ट में जब क्वेश्चन पेपर खुलता है उसमें जो है मेमोरी पूरी पूरा जो फिगर रहता है वो गायब हो जाता है और आपको जो है उन्हीं पेपर में से जो है उसको सॉल्व करना आता है जितने फिगर आपको याद हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है कि मेमोरी अर्थात जो है कैसे हम जो है फिगर्स को याद रखें, कैसे ट्रिक से याद रखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है मेमोरी टेस्ट, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम बस इसमें क्वालिफाई कर जाएं, स्कोर बिल्डअप करने के लिए जो वो जो है कि अदर टेस्ट में, अदर बैटरी टेस्ट में जो है वो सोच रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगर डिजिट टेस्ट के बारे में, अर्थात जो है यहाँ पर जो है डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज में कि एक फिगर दिया हुआ है उसके सामने जो है एक डिजिट लिखा हुआ है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो है इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम आपको मिलने वाला है। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है द स्टूडेंट डॉट स्टडी। मैं वहाँ पे जो है मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। जो लोग जो है पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, जिनको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इशू होगा वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो ये आईडी है द स्टूडेंट डॉट स्टडी। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है पेज पर पहुँच करके जो है इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिगर डिजिट टेस्ट के बारे में। तो देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एक सेट में 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो जिससे जाहिर सी बात है आपको मेमोरी पेज में भी आपको 21 ठीक है फिगर आपको देखने को मिलेगा। 21 फिगर रहेगा, उसके सामने जो है सभी के सामने एक डिजिट लिखी रहेगी, वो 2 नंबर की डिजिट होगी। ये नहीं कि जो है कि 3 नंबर की डिजिट नहीं रहेगी, मैक्सिमम 2 नंबर की ही डिजिट रहती है और सिंगल डिजिट भी रहती है। देखिए मान लीजिए 07 है तो ये 7 ही कंसीडर करेंगे तो भी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डिजिट ही मान के चलिए जो है सारे फिगर के सामने जो है 2 डिजिट में ही नंबर लिखा रहेगा। फिर आपको जो है 21 क्वेश्चन रहेगा और आपको सॉल्व करने के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा। 6 मिनट का समय क्या, ठीक है, पहले तीन मिनट में आपको पूरे मेमोरी पेज को देखने को टाइम मिलेगा। ठीक, उसके बाद से 3 मिनट का समय मिलेगा आपको जो है 3 मिनट का टाइम, वो आपको जो है क्वेश्चन पेज आपको देखने को मिलेगा और उसमें जो है आपको 3 मिनट में उसको सॉल्व करना होगा, उसको मार्क करना होगा। ठीक है, ये रहा है आपका जो है क्वेश्चन पेज, जिसमें देखिए एक इमेज आपकी दी रहेगी, उसके सामने जो है 4 ऑप्शन रहेंगे और सभी ऑप्शन के सामने जो है एक एक 2-2 डिजिट का जो है नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, 2 डिजिट के नंबर लिखे रहेंगे। और आपको ध्यान देना होगा, आपको याद करना होगा कि जो है कि क्वेश्चन पेज अर्थात मेमोरी पेज में जो है इस इमेज के सामने कौन सा 2 डिजिट का नंबर लिखा था उसको आपको मार्क करना है ऑप्शन में। कंप्यूटराइज पेपर होगा तो उसमें जो है आपको बस क्लिक करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कैसे जो है हम फिगर डिजिट टेस्ट में जो है कि फिगर और डिजिट दोनों को जो है अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। फिगर डिजिट टेस्ट जो है शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पेज जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है आपको। देखिए 21 जो फिगर आपको देखने को मिलेगा उसकी डिजिट जो है याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो उसको किसी न किसी ट्रिक के थ्रू आपको याद रखना होता है। देखिए याद रखने के लिए आपको मेमोरी, देखिए 2 चीज़ों पे काम करता है। मेमोरी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो एक विचित्र घटनाएँ होती हैं उसको ज़्यादा समय तक याद रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके साथ कोई दुखद घटना हो जाती है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। या फिर जैसे कोई भी बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट आपके साथ हो जाता है, ठीक है, तो वो भी जो है कि आपकी मेमोरी जो है लंबे समय तक याद रखती है, वो भूलती नहीं है। लेकिन जनरली जो चीज़ें रहती हैं वो आपको जो है कि भूल जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर डिजिट को देखेंगे या फिगर के बाद एक डिजिट देखेंगे तो वो डिजिट आपके सामने बहुत बार आया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो डिजिट जो है कि लंबे समय तक आपको याद कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने रिसेंटली कोई मोबाइल आपने ख़रीदा होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो मोबाइल 10,000 रुपये का था, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये जो है आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है क्योंकि आपके साथ वो मोबाइल रहता है और उस अमाउंट के साथ जो है आपकी एक मेमोरी जो है अच्छी मेमोरी आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक, लेकिन वही डिजिट जो है 10,000 या फिर जो है कि पढ़ने के टाइम में वही डिजिट बार बार अगर आपको देखने को मिलती होगी, ठीक है, लेकिन वो याद नहीं रहती हुई, लेकिन क्योंकि वो जो है आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि वो डिजिट जो है आपको याद रखने की ज़रूरत पड़े। लेकिन वो अगर मोबाइल से लिंक्ड करके वो डिजिट आप याद रखते हैं तो आपके लिए जो है कि काफ़ी देर तक याद रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इन्हीं जो है 10 डिजिट को जो है आपको याद रखना है, उसके सामने जो है जो वर्ड लिखे हैं उसको याद रखना है। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको याद रखना है। देखिए
यहाँ पे जो है जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। जीरो की शेप जो है वो एग की तरह है, उसको अंडे की तरह आपको याद रखना है, जीरो इन द सेंस ऑफ अंडा एग, ठीक है। वन यहाँ पे जो है इसका प्रोनाउंसिएशन, आप वन को वन करते हैं तो वन और सन का जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों सिमिलर दिखता है, इसलिए वन को जो है सन से हम कोरिलेट करेंगे। हिंदी देखिए मैंने इस सबके सामने लिख दिया है, वैसे तो सन का हिंदी आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू, टू को जो हम शू से याद करेंगे, शू अर्थात जूता, ठीक है। टू और शू का दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों सेम एक तरह से जो है प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम थ्री को देखते हैं, थ्री और ट्री, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे भी सेम हो रहा है। फिर उसी तरह से फोर का डोर से, फिर फाइव का नाइफ से, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स का विक्स से याद रखेंगे, फिर सेवन को हेवन से, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है। एट को हम प्लेट से याद रखेंगे, और नाइन को हम वाइन से, और टेन को हम जो है हेन, हेन मीन्स मुर्गी, ठीक है। देखिए जिसका हिंदी आपको नहीं पता है, हिंदी भी मैंने वहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, सभी वर्ड का। अब देखिए इसको याद रखना है, अब इसका यूज कैसे करेंगे हम जो है डिजिट को याद रखने के लिए फिगर फिगर टू डिजिट पेज में, ठीक है। तो उसको हम मैं बता देता हूँ कैसे इसको यूज रखना है। पहले जो है इसको आप पहले याद रख लीजिएगा, फिर आइए हम देखते हैं कि जो है कि कैसे फिगर डिजिट को हम इसको याद रखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेमोरी पेज आपको सामने जो है ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला इमेज आप यहाँ देख रहे हैं कैप, ठीक है। तो कैप के सामने डिजिट क्या लिखा हुआ है, वन और टू, ठीक है, अर्थात ट्वेल्व लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पूरे मेमोरी पेज में दो चीज़ पहले, सबसे पहले आप नोटिस कर लीजिए क्या, देखिए जो है सबसे पूरे मेमोरी पेज में सबसे महंगी चीज़ क्या मिल रही है। महंगी चीज़ इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये था कि जो है कि जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट या फिर जो भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है उसके राइट साइड में कुछ प्राइस लिखी हुई है, मैं उसको प्राइस कंसीडर अगर कर लेता हूँ तो सबसे महंगी जो चीज़ मिलेगी वो यहाँ पर मिल रही है आपकी बल्ब। देखिए यहाँ पर बल्ब होगा, ठीक है, ये बल्ब आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बल्ब हो जाएगा और ये मिल रही है 99 रुपीज़ की। तो इसकी कोडिंग आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात आपके दिमाग में ये फिट हो गया कि बल्ब जो है इस पूरे इमेज में पूरे मेमोरी पेज में जो है कि सबसे महंगा है वो है 99 रुपीज़ का। उसके बाद से आपको देखना है कि सबसे सस्ता कौन सा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे सस्ता जो चीज़ मिल रहा है वो है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर पत्ती है, ठीक है, या लीव्स जो है वो 3 रुपये मिल रही है, अर्थात 0.3 रुपये में मिल रही है। तो दो इमेज जो है आपके दिमाग में सबसे पहले आपको यही सर्च करना है, विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर दो इमेज आपको याद रखना है, वो है सबसे महंगी चीज़ वो 99 रुपीज़ की, और सबसे सस्ती चीज़ वो है 0.3 अर्थात 3 रुपये का। अगर आप चाहें तो एक और याद रख सकते हैं, दूसरा जो है सबसे सस्ता चीज़ क्या है, तो दूसरा सबसे सस्ता चीज़ है यहाँ पे 7 रुपये में मिल रहा है, वो है एरो, ठीक है, 7 रुपये प्राइस है एरो की। तीन चीज़ें याद हो गई, बहुत है, सफिशियंट है, मैं नहीं कहता हूँ इसके बाद याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ें आपको ध्यान देना है, सबसे जो है महंगी है और सबसे सस्ती जो है, और ये एक उससे सस्ती जो है आपको याद रखना है 0.7 रुपये का, ठीक, 3 रुपये और 7 रुपये। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है कि हर एक फिगर का जो है डिजिट से कैसे हम जो है कि यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे। पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कैप है, ठीक, कैप के सामने लिखा है 12, 12 मतलब जो है पहला डिजिट इसमें क्या है, 1, 1 को हमने कोडिंग किया था सन से, ठीक है। तो अगर धूप होती है तो ठीक है, तो हम टोपी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ठीक है, धूप होती है, धूप में हम टोपी भी पहनते हैं, और जो है कि हमने शूज़ भी पहन लिया, 2 का कोडिंग मैंने शू से किया, तो मतलब जो है धूप में जूता और टोपी मतलब दोनों मैंने पहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही जो है टोपी का इमेज आपको जो है क्वेश्चन पेज में आपको देखने को मिलेगा कैप का, ठीक, तो वहाँ पे जो 12 भी ऑप्शन में रहेगा और 21 भी ऑप्शन में रहेगा। तो सबसे पहले दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जैसे पेपर में आपको देखने को मिलेगा जैसे क्वेश्चन में 12 भी रहेगा 21 रहेगा, तो ऑप्शन में आप एक बार जरूर देखिए कि कौन सी दो डिजिट हैं जो इंटरचेंज करके लिखी हुई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक आदमी की फोटो यहाँ पर दिया हुआ है जोकर का, ठीक है, 45 इसके सामने डिजिट है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन में आपको 45 भी देखने को मिलेगा और 54 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दो डिजिट ऐसे मिलेंगी कि जो एक दूसरे की इंटरचेंज रहेंगी। तो इससे आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि आंसर हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि इन्हीं दोनों में से जो है आंसर है आपका, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका काम करने वाला है जो कोडिंग मैंने आपको सिखाई है। सबसे पहले कोडिंग आपको ध्यान देना है कि जब भी कोडिंग को आप बनाएंगे तो पहले डिजिट का वर्ड पहले ही यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए टोपी को आपको धूप में पहनना है, सन की सन में पहनना, जब धूप हो तब पहनना है, ठीक है, तो सन आपने पहले यूज किया, अर्थात जो है कि 12 को ही हमको आंसर मारना है, ना कि 21 को आंसर मारना है। कोडिंग आपने जो है कि सन और सूज का दोनों का बनाया है टोपी के साथ, लेकिन आपको जो है आंसर में 12 मारना है, और आपको कोडिंग जब बनानी है तो सन को ही पहले यूज करना है, जिससे आपको जो है याद रहने वाला है। अब मैं देखिए जल्दी जल्दी से कोडिंग बनाता हूँ और आपको देखिए क्वेश्चन पेज भी आपको ओपन कराऊंगा, देखिए आपको दिमाग में एकदम याद रहने वाला है। देखिए कुछ कोडिंग जो है थोड़ा सा
अटपटे लगेंगे या फिर हो सकता है थोड़ा फनी भी लगे, लेकिन आपको फनी चीज ही याद रहने वाला है। जो भी थोड़ा सा एक विचित्र घटनाएं से रिलेटेड जो है आप कोडिंग बनाएंगे, वही जो है आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। ठीक है, तो तीन चीज़ें पहले आपको याद रखनी है, सबसे महंगी चीज़, सबसे सस्ती, फिर उसके सेकेंड सस्ती, सबसे याद रखनी है। तीन चीज़ें वो याद हो गई, उसके बाद से एक एक चीज़ को आपको कोडिंग बनाना है। टोपी का मैंने बना दिया, सन से जो है जो सूज भी पहनना है आपको। फिर यहाँ पर जोकर की फीस इमेज देख रहे हैं उसको जो है फोर, अर्थात जो है दरवाजे पे जो है जूता फाइव नाइफ मतलब चाकू लेकर जो है दरवाजे की तरफ ये आदमी बढ़ता है गुस्से में। देखिए गुस्से में है ना, ठीक है, मतलब चाकू लेकर जो है दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दूसरा क्या है, लिप्स देख रहे हैं होट, ठीक है, तो होट पे जो है आपको विक्स लगाना है। ठीक है, सिक्स अर्थात विक्स लगाना है। ठीक है, सी और स्वर की तरफ चलने की तैयारी आपको कर देनी है। ठीक, उसके बाद से फिश है, फिश को क्या करना है, एट, एट का कोडिंग मैंने किया था प्लेट से। ठीक है, तो फिश को जो है आपको प्लेट में रखना है। टू मैंने शूज, शूज मैंने जूते से मारना है या फिर ऐसे कुछ भी आप कोडिंग बना सकते हैं थोड़ा सा फनी लगे, जिससे आपको याद रहे कम से कम जो है दो तीन मिनट तो आपको याद ही रहे। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लॉक अर्थात जो है सेवन, सेवन मतलब स्वर्ग में आप ताला लगा सकते हैं, मतलब सूरज को मतलब ताला लगा करके जो है सूरज के पास आप खड़े हो गए या फिर जो है सूरज को देखने लगे, ताला लगा कर जो है आप जो है बाहर निकल के सूरज को देखने लगे, ये हो सकता है। फिर उसके बाद से जो है मैंने कप प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कप प्लेट लेकर के आप जो है फोर, फोर मतलब क्या है, डोर की तरफ दरवाजे की तरफ बढ़े। ठीक है, उसके बाद से जो है उसमें आपने अंडा रख दिया। ठीक है, कप में आपने अंडा रख दिया, दरवाजे की तरफ बढ़ना है और आपने उसमें अंडा रख दिया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वर्डिंग बनाते हैं। देखिए जितना आसानी से धीरे धीरे आप पहले कोडिंग बनाइए, पहले आपको सीखना है कोडिंग बनाना। ठीक है, उसके बाद से जो है आप इमेज को जो है कि सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिफाफा है। ठीक है, लिफाफे को आपने विक्स से चिपका दिया, जब आपको खोलना था तो अब खुल नहीं रहा था, आपको जो है चाकू से नाइफ, फाइव को मैंने कोडिंग नाइफ से किया था ध्यान रखिएगा, तो आपने चाकू से उसको फाड़ के खोला। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्लेन, जेट प्लेन आप देख रहे हैं। ठीक है, जेट प्लेन को देखिए मैंने जो है डबल एट अर्थात जो है दो प्लेटों से मारा। ठीक है, दो प्लेटों से जो है मैंने जेट प्लेन को मारा और वो गिर गया। ठीक है, ये थोड़ा सा विचित्र है लेकिन आपको याद रखने के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद आता है मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट को जो है मैंने क्या किया, वाइन, वाइन मतलब जो है शराब में डाल दिया, फिर उसके बाद से जो है उसको जूते के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, टू यहाँ पे टू अर्थात शू, तो मैग्नेट को मैंने क्या किया, शराब में पहले डाल दिया, फिर उसके बाद से मैंने जूते पे फेंक दिया। फिर यहाँ पे देखिए एरो हेड बना हुआ है। ठीक है, तीर को जो है मैंने दरवाजे पे मारा। ठीक है, दरवाजे पे मारा। ठीक है, दरवाजा टूट के जो है एकदम गिर गया, फिर स्वर्ग में चला गया, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब दरवाजा मर ही गया एक तरह से समझ लीजिए, तो स्वर्ग सिधार गया दरवाजा। तीर को जैसे मैंने दरवाजे पे मारा वो स्वर्ग सिधार गया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वर्डिंग बनाते हैं। इसी तरह से जो मान लीजिए एरो का, तो मैंने यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट वाला जो था ये एरो को मैंने जो है हम लोग सेकेंड लोएस्ट प्राइस पे याद रख लिया है। यहाँ पे देखिए कंकाल बना हुआ है, मानव कंकाल को जो है मैंने क्या किया, उसमें दो चाकू दोनों तरफ से घुसा दिए। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों चाकू मैंने इधर से घुसा दिया। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए फ्लैग बना हुआ झंडा। ठीक है, तो मैंने जो है स्वर्ग में पहुँच के जो है, ठीक है, झंडा फैला दिया। यहाँ पे जो है देखिए सेवन को ही कोडिंग बना सकते हैं, सिक्स के साथ जो है अगर विक्स के साथ कोई कोडिंग बनाना चाहते हैं तो बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है बल्ब का, तो मैंने बता दिया हाइएस्ट प्राइस है। बेल का यहाँ पे देखिए घंटी, घंटी को मैंने बताया कि घंटी जो है दरवाजे पे आप लगाते हैं और लेकिन वो जूतों से आप बजाते हैं। ठीक है, घंटी तो दरवाजे पे लगी रहती है, उसको जो है आप जूतों से बजाते हैं, इसीलिए जो है ये कोडिंग इस तरह से याद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए थैला है पैसे का। ठीक है, तो थैला जो है पैसे का जो है दरवाजे से मैंने लेकर के बाहर निकला और सीधे मैं शराब के पीने चला गया। ठीक है, तो पैसे का थैला लेके जो मैं दरवाजे से गेट से बाहर दूर से बाहर निकला और मैं शराब पीने चला गया, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद से देखिए हीरा। ठीक है, तो हीरे पे मैंने क्या किया, विक्स लगा के जो है विक्स लगा के प्लेट में रख दिया। हीरे के ऊपर मैंने क्या किया, पहले उसको विक्स लगा के थोड़ा सा और साइन करने लगा और उसको प्लेट में रख दिया। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे देखिए फिंगर से इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट करने का मतलब क्या है कि देखिए फिंगर पे मैंने जो है क्या किया, विक्स लगा के फिर इंडिकेट किया कि एक उधर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिंगर को मैंने टॉप पे जो है विक्स लगाया और इंडिकेट किया कि अंडा जो है दूसरी तरफ रखा हुआ है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे है पेड़। ठीक है, तो पेड़ जो है डबल वन से डिनोट कर रहा है। डबल वन अर्थात जो है धूप बहुत तेज है, दो सन है, दो सूरज अगर आ जाएंगे जाहिर सी बात है धूप बहुत तेज हो जाएगी और आपको पेड़ की छांव में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सारे की कोडिंग बना दी है, आप इसको फिर से बैक करके भी देख सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने एक लास्ट कोडिंग यहाँ पर नहीं बनाया, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर जो अर्थ दिख रहा है। ठीक है, तो अर्थ और सन, ठीक है, तो अर्थ और सन से यहाँ से कोडिंग बना सकते हैं जी, कि ये अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ जो है प्लेट के आकार में, एट यह अर्थात प्लेट की तरह आकार में ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, प्लेट के शेप में। अब हम जो है कि क्वेश्चन वाले पेज पे पहुंचते हैं और वहां से देखते हैं कैसे कोई भी कोड जो है हमको याद है कि नहीं याद है।
अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट को मैंने कहा था कि दो प्लेट से फेंक कर हमें मारना है, ठीक है। दूसरी चीज 99 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सबसे महंगी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे महंगी चीज़ क्या थी हमारी, सबसे पहले उसको मार कर लीजिएगा, तो सबसे महंगी चीज़ हमारी थी वो थी बल्ब। तो बल्ब पहले देख लेते हैं कहाँ पे है, बल्ब है आपका लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले बल्ब को आपने मार कर लिया, उसके बाद से दूसरी जो सबसे सस्ती जो चीज़ थी वो थी पत्ती, जो 3 रुपये में मिल रही थी। तो पत्ती जो है 3 रुपये में कहाँ मिल रही है, तो पत्ती को मैंने यहाँ पे 3 रुपये में मार कर दिया। उसके बाद सेकेंड जो सस्ती चीज़ थी वो एरोहेड थी, एरो था, वो जो है 7 रुपये में मिल रहा था, ठीक है। तो 7 रुपये में एरो कहाँ मिल रहा है भाई, तो 7 रुपये में ये एरो मिल रहा है, ठीक है। तो 70 भी देखिए लिखा हुआ ऑप्शन में और 07 भी लिखा हुआ थी, लेकिन ये सस्ता है तो ये आपको 7 मार्क करना है। 3 क्वेश्चन आपको विद इन जो है 10 सेकंड के अंदर हो गए, जो सबसे महंगे थे सबसे सस्ते थे, ठीक। उसके बाद से अब देखिए इसको मैंने बताया था पहले की कोडिंग की थी कि जो है कि इसको दो प्लेटों से फेंक के आपको मारना है, तो 288 हो गया, ठीक। अब दूसरी बात खोपड़ी में मैंने बताया था ना दो चाकू आपको घुसाने हैं, आपको याद होगा, तो 5-5 दो चाकू के साथ जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आपको बस कोडिंग बस याद रखना है झंडे को, मैंने क्या कहा था, झंडे को कहा था मैंने स्वर्ग में जाके आपको इसको लहराना है, मतलब झंडा जो है स्वर्ग में होना चाहिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 76 भी लिखा है और 67 लिखा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। लेकिन झंडे को मैंने सबसे पहले स्वर्ग से जो है 7 अर्थात हेवन से मैंने कोडिंग की थी, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कैप को मैंने बताया था जब बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो जो है मैंने कैप को पहना जूते के साथ। तो देखिए 21 भी है और 12 भी है, लेकिन कैप को सबसे पहले मैंने धूप से जोड़ा था, याद रखिएगा, तो सन से जोड़ा था, तो 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर थैले की बात आते हैं, थैला क्या क्या मैंने जोड़ा था, थैले को मैंने बताया था कि थैला लेकर के हमें दरवाजे से निकल के शराब पीने में चला गया, ठीक है। तो थैला को सबसे पहले दरवाजे पे लेके जाना है, तो 49 और 94 देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने बताया था कि वो दो ऑप्शन जरूर ऐसे रहेंगे कि जो एक तो सही रहेगा, एक उसको जस्ट पलट के लिखा रहेगा, तो इन्हीं दोनों में प्रोबेबिलिटी आपकी 50-50 100% बनेगी कि जो है किसी को आपको मार्क करना है। तो थैला आप जैसे दरवाजे से होकर निकले, 49 आपका आंसर हो गया। जब आपका 49 का आंसर मिल जा रहा है तो ये नहीं कि आप जो है कि पूरा जो आपने ट्रिक बनाया था उसको माइंड में एक बार रीड करने लग रहे हैं, जिससे आपका टाइम लॉस होगा। आपको रीड नहीं करना, आपका आंसर मिल गया, खत्म आपका काम, आपको कोडिंग से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। आपको नेक्स्ट तुरंत अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है। देखिए आदमी जो है गुस्से में किधर देख रहा है, आदमी गुस्से में जो है आपको बताया था मैंने कि दरवाजे की तरफ देख रहा है और वो जो है चाकू लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आदमी गुस्से में दरवाजे की तरफ लेकर अर्थात 4-5 की तरफ बात कर रहा है, ठीक। तो ये आपका बी आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद से लॉक की तरफ आते हैं, ठीक। लॉक मैंने बताया था ताला कहाँ लगाना है, ताला आपको स्वर्ग में लगाना है, ठीक है। स्वर्ग में लगा दिया मैंने ताला। अब देखिए दो आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, 71 और 17, ठीक है। तो 71 और 17 में दो आंसर होंगे, सबसे पहले आपने स्वर्ग में ताला लगाया तो 71 आपका सही हो जाएगा, बाकी दूसरी कोडिंग आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें, ठीक। अब मैंने बताया था अर्थ जो है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अर्थ का जो है 81 तो आपका नहीं होगा, 18 ही हो जाएगा, ठीक है। 18 आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 को मैंने बताया था ना कि सर जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है जो प्लेट की तरह शेप दिखता है। तो सबसे पहले सन की कोडिंग लिखेंगे, उसके बाद प्लेट की कोडिंग लिखेंगे। इसी तरह से कोडिंग आपको बनानी है जिससे कि आपको याद रहे, सिर्फ 3 ही मिनट तो आपको याद रखने हैं और पूरा जो है 21 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें धीरे से कोडिंग बना देते हैं तो आपका जो है कि देखिए मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन जो है शुरू में ही आपका सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है 3 क्वेश्चन का कोडिंग सिंपली बनाया कि सबसे महंगी सबसे सस्ती और सेकंड सबसे सस्ती, 3 हो गए। और उसके बाद से आप 12 सही और बना लेते हैं, 12 या 13 और बना लेते हैं, तो आपका देखिए कम से कम 16 क्वेश्चन आपका एकदम हूबहू सही हो जाएगा। लेकिन आप इसमें कोशिश करिए 17 से 18 एकदम सही करने की। अब मैंने जो ट्रिक बताया था, जो भी ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है आपको लगेगा कि जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप अधिक कर पा रहे हैं और बिना जो है माइंड पे प्रेशर दिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें जो है जो भी हमने कोडिंग बनाया था। लिप्स का कोडिंग मैंने सबसे पहले बताया था, विक्स लगाना सबसे पहले, तो विक्स के लिए 6 कोडिंग सबसे पहले होनी चाहिए। तो 76 और 67 में कोई आंसर होगा तो विक्स वाला पहले सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जो है कि आपको डायमंड पे भी पहले विक्स लगानी है तो 68 इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको वही ध्यान देना है कि जिसमें जो है कि रिवर्स किया होगा आंसर को। देखिए यहाँ पे जो है कि पत्ती को मैंने बताया पेड़ के छांव में कब बैठना है, जब धूप बहुत तेज हो, दो सन सूरज आपको निकल जाए, तो 11 को उल्टा भी करेगा तभी तो 11 ही ऑप्शन में होगा,
तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 11 का कोई यूटिवर्स तो लिखा नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसको मैंने क्या बताया था कि फिंगर आपका जो है टॉप पे फिंगर के एक लास्ट पॉइंट पे आप जो है विक्स लगाइए और एग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही देख सकते हैं 60 होगा या फिर 06 होगा, तो पहले आपको विक्स लगाना है फिर एग की तरफ इंडिकेट करना है, तो बी आपका इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप पूरा पेपर जो है कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था मैग्नेट का क्या करना है, मैग्नेट को पहले आपको वाइन में डुबो देना है, तो वाइन में डुबोएंगे अर्थात जो है कि 9, ठीक है, 9 पे डुबोए और जूते पे फेंक दिया, तो ए अपन ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, लिफाफे को आपको विक्स से चिपकाना है, तो विक्स से आपने चिपका दिया और चाकू से काटने की जरूरत पड़ गई क्योंकि ज़्यादा चिपक गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर फिश को मैंने बताया था, फिश को आपको प्लेट में रखना है, तो प्लेट का कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, 82 सही हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है पूरी कोडिंग कर सकते हैं, पूरा जो है आंसर मार सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि आप जब कोडिंग बना रहे हो ऐसा बनाइए कि एकदम विचित्र लगे, ठीक है, क्योंकि जितना फनी आप बनाएंगे कोडिंग उतना ही आपको याद रहने में सहूलियत होगी, उतना ही अच्छा होगा। अब फनी आप अपने तरीके से बना सकते हैं, आपके रीजनल, आपके जीवन से जुड़ी पहलुओं से रिलेटेड आप जितना फनी बना सकते हैं वो सही रहेगा आपके लिए। और मैंने जो कोड बताया था उससे पहले, सबसे पहले जी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। मैंने स्क्रीन शॉट लेने के पहले कहा था, उसको वहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल और मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, जिससे आपको ये कोडिंग और अच्छे से याद हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।